आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। स्वतंत्रता दिवस के दिन पूरी ताज नगरी तिरंगे में रंगी हुई नजर आएगी, जिसको लेकर महापौर नवीन जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि शहर के मुख्य चौराहों और सड़कों पर तिरंगी लाइटें लगाई जाएंगी। साथ ही नगर निगम की ओर से स्वतंत्रता दिवस पर 2000 पौधे भी रोपित किए जाएंगे। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस का आयोजन पूरे भारत में बनाया जाएगा और आगरा में भी बहुत अच्छे वातावरण में लोगों में जोश है। आज़ादी का दिन है और इस आज़ादी के दिन को हम शहर को तिरंगा में करने का हमने एक बीड़ा उठाया है। उसके तहत हमने कोशिश की है कि पूरे MG रोड पर जहाँ हमारी तिरंगा लाइट पहले से लगी है, सिकंदरा से बोलदा रोड सागन जाने वाली रोड पर हमने तिरंगा लाइट लगी है और अब हमने जमुना किनारा रोड पर किला से लेके बिजली घर तक जो तिरंगा लाइट लगाई है, MG रोड से लेके पचकुइया से लेके जयपुर हाउस रोड को जाने वाली तिरंगा लाइट हमने लगाई है और सेंट पीटर से लेकर हरिप्रवत चौराहे पर तिरंगा लाइट लगाई है और आवास विकास परिषद सिकंदरा वहाँ भी तिरंगा लाइट लगाई है। हमने कमला नगर क्षेत्र में भी तिरंगा लाइट लगाई है। इस प्रकार से हमने करीब 17 ऐसे प्रमुख शहर के मार्ग हैं, फोर लाइन्स हैं जहाँ पर उन जो मार्ग जहाँ पर पूरा शहर के लोग आते हैं जाते हैं निकलते हैं उन सभी मार्गों पर तिरंगा लाइट लगाकर और तिरंगा मय करने का एक हमने प्रयास किया है। दूसरा हमने एक और बड़ा काम किया है इन्हीं मार्गों पर और इनसे लगे हुए मार्गों पर जो आगरा शहर के प्रमुख मार्ग हैं, हमने इस शहर को हरियाली युक्त बनाने का एक जो निर्णय लिया है उसके तहत अब तिरंगा मय करने का भी हमने एक लक्ष्य निर्धारित किया है और टी गार्ड के माध्यम से इस शहर में हम बहुत बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण का काम करेंगे और जो टी गार्ड लगाएंगे उसको तिरंगा पेंट करके वो तिरंगा टी गार्ड हम लगाने का काम भी करेंगे। वो काम हमारा बहुत 100% लगभग पूरा हो गया है। हमने लक्ष्य निर्धारित किया था कि हम 15 अगस्त से पूर्व टी गार्ड 2000 टी गार्ड प्रमुख मार्गों पे हम स्थापित कर देंगे, उसमें पौधे भी लगा देंगे। वो लगभग हमारा काम समाप्ति की ओर है। 14 अगस्त को हम पूरे शहर में तिरंगी लाइट की शुरुआत कर देंगे। मुझे लगता है ये इसलिए किया जा रहा है कि हमारे जो आने वाली पीढ़ी है उनको ये एहसास हो तिरंगी लाइट क्यों जल रही है और क्यों जल रही है। जब प्रश्न आता है तो अपने माता पिता से पूछेंगे, अपने परिवारजनों से पूछेंगे तो उनको इस तिरंगी लाइट का और तिरंगे का जो महत्व पता लगेगा और ये एक प्रयोग हमने किया है। मुझे लगता है इसके करने से बहुत अच्छा संदेश जाएगा। मैं शहरवासियों से एक अनुरोध करूँगा, जहाँ हमारे सीमाओं पर सैनिक तैनात होकर हमारी सीमाओं की रक्षा करके देशभक्ति का परिचय देते हैं, उसी प्रकार से 15 अगस्त वाले दिन एक छोटी सी मेरी अपील है कि 15 अगस्त वाले दिन मेरे शहर के समस्त नागरिक एक लक्ष्य निर्धारित कर लें कि 15 अगस्त को एक पौधे का वृक्षारोपण टी गार्ड के साथ वो खुद करेंगे। एक पौधे का वृक्षारोपण टी गार्ड के साथ खुद करेंगे और उसका स्वयं खर्चा जो आएगा वो खुद उठाएंगे, इस शहर के लिए करेंगे। आज 20 लाख की आबादी ने अगर ये लक्ष्य निर्धारित कर लिया कि 15 अगस्त को एक पौधे का वृक्षारोपण मैं भी करूंगा तो 20 लाख पौधे जब पेड़ बन जाएंगे तो शहर हरियाली युक्त हो जाएगा। और मैं एक और निवेदन कर लूँ, जो आप पौधा लगाएं टी गार्ड लगाएं उस टी गार्ड पे अपने पिताजी का अगर स्वर्गवासी हो गए हैं, माता जी के नाम पर स्वर्गवासी हो गए हैं, दादा दादी के नाम पर या अपने नाना नानी के नाम की उनकी स्मृति में या आप जिनके प्रति आपकी श्रद्धा है उनकी स्मृति में आप एक पौधे का वृक्षारोपण तो करें। आपको जीवन भर अपने पूर्वज याद आएंगे, आपको आपको आप आपकी जिनके प्रति श्रद्धा है वो आपको याद आएंगे और इस शहर के लिए आपका बहुत बड़ा योगदान हो जाएगा। यही मैं अपील इस शहर के नागरिकों से करना चाहूँगा कि देखिए हमने आज से 3 साल पहले दो साल कंप्लीट हो गए, 3रा वर्ष चल रहा है। मैंने महात्मा गांधी रोड के डिवाइडर्स पर लगाए, मैंने सिकंदरा से लेकर सागन जाने वाला जो रोड है उनके डिवाइडर पर लगाए और मुझे बताते हुए ये बड़ी खुशी और प्रसन्नता हो रही है कि जो पौधे हमने लगाए थे सेंट पीटर्स को जाने वाले MDN तक जाने वाले किनारों पर जितने पौधे हमने लगाए थे वो आज पेड़ की शक्ल में दिखने लगे हैं। जो हमने 4 फुट के पौधे लगाए थे आज वो 8-8, 10-10, 12-12 फुट पर पौधे लग गए हैं। आप MG रोड पर आप देख सकते हैं, आप फतेहाबाद रोड पर आप देख सकते हैं, आप ताजनगरी में आप देख सकते हैं, आप जो है सेंट पीटर्स को जाने वाली आगरा कॉलेज वहाँ जे MDN कॉलेज को जाने वाली
जो सड़क है वहाँ देख सकते हैं। इस प्रकार से हमने बहुत से अच्छे काम जो योजना है और जनता ने भी उसको पसंद किया है। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि जनता के द्वारा भी, सामाजिक संगठनों के द्वारा भी इस शहर में लगभग अपने खर्चे पर 2000 पौधे टी गार्ड के साथ लगाए गए। पिछले बार वृक्षारोपण उनके द्वारा भी अगर होगा और वो आपको देखने को भी मिलेगा, जनता का भी सहयोग है, आम जनमानस हमें सहयोग देने के लिए तैयार है। और बस मेरा 15 अगस्त का दिन को ना भूलें, 15 अगस्त को एक पौधे का वृक्षारोपण टी गार्ड के साथ अवश्य करें।